थैंक यू गुरुदेव सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा सर आप सभी दोस्तों के याद दिलाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, हकीकत में बातें जो बोला जा रहा था सर के माध्यम से वो हकीकत राइट है, क्योंकि जरूरी हो जाता है डियर फ्रेंड्स, हम कॉपी पेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को फॉलो कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के साथ हमारा रिलेशन टूटती जा रही है। तो मैं चाहूँगा फिर से अपनी लाइफ में देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में चीज आप सभी दोस्त जानते होंगे, कामयाबी पाना एक बड़ी आसान है, लेकिन लोगों को कामयाब कर देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे बाहर में लोग बोलते हैं ना, पैसा कमाना बहुत आसान है, लोग आज अदर फील्ड में आज बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं बड़ी आसान तरीके से, बट लोगों को पैसा कमाना एक बड़ी बात हो जाता है। लोग मार्केट में आप देखते होंगे डियर फ्रेंड्स, लोगों को लूटने के ऊपर में तुले हुए हैं, लोगों को पैसे कमाने के ऊपर नहीं, बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे लोगों को पैसा कमाना सिखाया जाता है, पैसा कमवाया जाता है। आज आप देख पा रहे होंगे ये बातें निकल चुकी है, तो मैं जरूर रखना चाहूंगा फॉर 1 मिनट के अंदर में। आज 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 की डेट में आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस, एक वीडियो हमारे बीच में भी वायरल हुआ था सामान्य योगेश ध्रुवी सर का, जो गोवा के अंदर में धमाल मचा रहे हैं अपलाइन डाउनलाइन के साथ में, अपलाइन डाउनलाइन को खोज रहा है, डाउनलाइन अपलाइन को खोज रहा है, राइट। आज से पहले की अगर जर्नी की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से नहीं था, लेकिन आज बेस्ट रिलेशन और बेस्ट कनेक्टिविटी की वजह से आज सामान्य सर, सामान्य उमेश पाल सर आज डायमंड है, और सामान्य योगेश ध्रुवी सर आज प्लेटिनियम है, अपकमिंग डायमंड होने वाले हैं। चीजें क्या हो पा रही है, सीखने की वजह से वहां तक पहुंचे, बगैर सीखे संभव नहीं है, एक अच्छी रिलेशनशिप की वजह से वहां पर पहुंचे। तो आप अपने दोस्तों को बेस्ट रिलेशनशिप दीजिए, उन्होंने आप फॉलो करके लिया है डियर फ्रेंड्स, वाकई में आज का ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, राइट। थैंक यू। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में समय जो मुझे मिला हुआ है सीमित समय है, एक्स्ट्रा समय मुझे नहीं मिला है, तो अब हम स्टार्टअप करते हैं, और आज हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स 8 स्टेप ऑफ सक्सेस इन यूटेक बिजनेस, 8 ऐसी चीजों के 8 ऐसे पॉइंट के बारे में हम आज जानने वाले हैं, जिसके जिन्हें करके हम इस बिजनेस के अंदर हम सक्सेस हो सकते हैं, जिन्हें फॉलो करें तो हम बहुत कम समय में हम यहाँ पे हम कामयाब हो सकते हैं, राइट। तो ये जिंदगी में जो हमारी जिंदगी हम चल जो जिंदगी चल रहा है, ये उतार चढ़ाव वाला, इसमें जर्नी हमारे साथ में आता ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और हम जानते हैं डियर फ्रेंड्स वो कौन कौन से स्टेज हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा यूटेक इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए, यूटेक इंडस्ट्रीज में हमको डायमंड जाने के लिए, आइए जानते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला स्लाइड में हम बात करेंगे शुरुआत की। स्टेज में स्टडी बहुत ज़्यादा होता है, अभी आप ये मैं शुरुआती में बात करूँ डियर फ्रेंड्स, जब हम यूटेक बिजनेस ज्वाइनिंग करते हैं, यूटेक बिजनेस ज्वाइनिंग करने के तत्पश्चात जब हम इसको काम करना स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो काम करने के साथ साथ में आप देखते होंगे कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है मार्केट के अंदर में, आप देखते होंगे रिजल्ट आपको देखने का मौका नहीं मिलता होगा, तो स्ट्रगल करने के बाद में रिजल्ट ना मिलने पर हमें हमारे जो अंदर से हो फीलिंग्स में बात करूँ तो निगेटिविटी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है। आप सभी दोस्तों को ऑलरेडी पता है कि हम जब मार्केट के अंदर में हम काम करते हैं, जब शुरुआती दौर होती है हमारे यहाँ पर, मैं जितने भी सारे दोस्तों से यहाँ पर मैं बात कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर वर्किंग करते हुए, बट अगर मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आज शुरुआती दौर में आज वर्किंग कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स या फिर यूँ कहा जाए कि दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर में। वो दिक्कत परेशानियों का सामना क्या है, लोग उनके साथ में आ नहीं रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, लोग उनके साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, न जाने लोग क्या क्या रिजेक्शन लोगों को दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज लोग फेस कर रहे हैं, मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में जो इनकम से इनकम की मैं बात करूं या फिर मैं रिजल्ट की मैं बात करूं, लोगों के पास में जीरो देखने का मौका मिल रहा है। इनकम की मैं बात करूं या फिर रिजल्ट की मैं बात करूं, डिफरेंस जीरो देखने का मौका मिल रहा है आज लोगों के पास में। रीजन क्या है, रीजन यह है डिफरेंस कि आप शुरुआती दौर में आप काम कर रहे हैं। कौन से दौर में, शुरुआती दौर में आप काम कर रहे हैं, राइट। इसके बारे में भी हम आगे स्टेप्स हम जानने वाले हैं कि हमको कौन कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। आइए अगले स्लाइड में हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हम इस शानदार बिजनेस को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, बड़े मतलब यहाँ पे हम जब मार्केट के अंदर जब हम शुरुआती में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से क्यूट कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है आज यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे मीटिंग में भरमार आना स्टार्ट हो जाते हैं, 150, 200, 300 लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन काम करते हैं, 1 महीने 1.5 महीने के आसपास में काम करते हैं, काम करने के तत्पश्चात उनको रिजल्ट देखने का मौका नहीं मिलता, तो बड़ी आसानी से लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में यही सोचते हैं वो कि भाई 799 रुपीज़ तो हमने लगाया था और क्या लगाया था, ये सोच करके लोग यहाँ पे क्यूट कर देते हैं। बट आप बताइए डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी को ऊपर रखना चाहूंगा, एक आप पौधे लगाते हैं छोटा सा, एक मक्के के पौधे की मैं बात करूँ, फिर एक धान, हर व्यक्ति किसान फैमिली से बिलोंग करता है, धान की मैं पौधे की मैं बात करूँ, उसे भी बड़ा होने के लिए मैक्सिमम 90 दिन का समय लगता है उसमें फल लगने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन या फिर 1 महीने उसका आप परवरिश किए, देखभाल किए, खाद आपने उसमें डाला कि 1 महीने के बाद में आप वहाँ पे फल देना स्टार्ट कर देगा। एक छोटा सा पौधा को भी उपज होने में, एक पौधे को वो
उपज होने में समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं आप एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आप काम करें, आपको यहाँ पे समय लगने लगना है राइट। तो यहाँ पे लोग शुरुआती दौर में करते क्या है, 2 दिन 4 दिन 1 महीने 1.5 महीने वर्किंग करते हैं, करने के जस्ट बाद डियर फ्रेंड्स बड़े आसानी से वो जब कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि शुरुआती जो समय होता है उसमें लोगों को रिजल्ट कम मिलता है, बेनिफिट कम मिलता है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे शुरुआती दौर में बिजनेस को क्यूट कर देते हैं और थक हार कर वापस पुरानी जिंदगी में काम करने के लिए चले जाते हैं। जो पहले काम करे किसानी करने वाला किसानी करने लगता है, जो काम कर मतलब एवरीबडी जो भी काम करने वाले लोग हैं उस काम में वो फिर संतुष्ट हो जाते हैं। भैया बोलते हैं ये कामयाबी या फिर यूटेक के अंदर में डायमंड जाना बड़ी आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है, हम यही काम करके हम संतुष्ट हैं, यही काम हम करने वाले हैं, लौट जाते हैं। हकीकत है डियर फ्रेंड्स, मैंने 90% लोगों को देखा है, लोगों को जब रिजल्ट नहीं देखने का मौका मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता तो वापस हो जाते हैं अपने पुरानी जर्नी पे। मेरे साथ में ऐसे भी लोग हैं जो सिल्वर बनने के बाद में भी आज शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि मेहनत घटा दिए, उनको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिला, बेस्ट इनकम करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से आज लोग वहां पे बैठे हुए हैं राइट। ये खुद की लापरवाही की वजह से। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे आप समझिए आगे होता क्या है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था या फिर पता ही नहीं होता है कि अभी हम कौन सी स्टेज में हैं और हमें कितनी स्टेज और अभी पार करनी है, करनी बाकी है, यानी हम सफलता के कितने करीब आ चुके हैं। लोगों को ये पता ही नहीं होता है डिफरेंस। यूटेक में जब वर्किंग करते हैं, ब्रॉन्ज बनते हैं, यहाँ पे लोग शुरुआत करते हैं, 1 डायरेक्ट लगाते हैं, 2 डायरेक्ट लगाते हैं, 10 डायरेक्ट लगाते हैं, 50 डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं, ब्रॉन्ज रैंक लेते हैं, सिल्वर रैंक लेते हैं, रैंक पे रैंक यहाँ पे लेते जाते हैं, मतलब अपग्रेड करते जाते हैं। शुरुआती दौर की मैं बात करूँ, आप ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक तक आपको पास में बड़ी बेनिफिट नहीं होता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ डिफरेंस, तो इन्हीं 2 रैंक के अंदर में आता है, गोल्ड बनने के बाद में रैंक नहीं आता है। क्योंकि मैं अपनी खुद की सच्ची घटनाएं मैं बता रहा हूँ, जब मैं सिल्वर था तो मुझे भी कुछ समय ऐसा होता था कि भाई मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इतना ज्यादा समय दे चुका हूँ यहाँ पे, अगर इतना इससे ज्यादा समय कहीं दूसरे इंडस्ट्री या फिर दूसरे जगह दूसरे प्लेटफॉर्म में देता तो शायद वहां से कुछ पैसा तो मैं कमा पाता। बट आज मैं देख रहा हूँ मेरे पास लर्निंग हर चीज था, लेकिन लग रहा था एक सीजर समय ऐसा भी था वहां पे, मुझे लग रहा था कि मुझे बिजनेस छोड़ देना चाहिए था, बट मैंने ये स्ट्रगल्स ये क्लास ये सेशन मैंने सुना वीडियो के माध्यम से और मुझे लगा कि अभी मेरा स्टेज कौन सा चल रहा है, और वही चीजें आज आप सभी दोस्तों को समझ में आने वाला है राइट। मैंने बताया क्या कि हमें पता भी नहीं होता डिफरेंस कि हम सक्सेस के कितने पास हो चुके हैं, हमारी सक्सेस जो है हमारी जो लाइफ में हम कामयाब हो रहे हैं वो कितना करीब आ चुका है, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे क्यूट कर देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता इनकी, उनको कितना कदम और आगे उनको जाना है, कितने कदम आगे जाने के बाद उनको कामयाबी जो सक्सेस है सफलता है जिसके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, कैसे कैसे, क्योंकि आप हम जो बिजनेस कर रहे हैं डिफरेंस ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों के बिजनेस में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो चीज़ें आज आपको पता यहाँ पे चलने वाली है राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिना देरी के, उन 8 स्टेज के बारे में हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस बिजनेस है डिफरेंस, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी एक मैं बात करूँ, कोई भी आप पकवान बनाते हैं, पकवान बनाने के एक प्रोसेस से गुजारना होता है, तब जाकर को पकवान सही सलामत बनता है। सेम दैट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए फिर इस बिजनेस में डायमंड जाने के लिए डिफरेंस एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर लोग यहाँ पे डायमंड बनता है। जो व्यक्ति प्रोसेस को फॉलो करता है वो डायमंड बनता है, जो नहीं करता वो क्यूट कर जाता है, वो नहीं बन पाता फिर वो। तो प्रोसेस क्या है, आज आइए हम समझते हैं डिफरेंस, प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पे मैं प्रोसेस आपको मैं बताना चाहूंगा, यानी यहाँ सब कुछ इस बिजनेस के अंदर में सब कुछ प्रोसेस के रूप में होता है, मतलब यहाँ दोस्तों सब कुछ दोस्तों तुक्के में, यहाँ पे कामयाबी तुक्के में नहीं होती है, तुक्के में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे किसी ना किसी सब कुछ ये सब कुछ की मैं बात करूँ डिफरेंस, सब कुछ किसी ना किसी प्रोसेस से के थ्रू ही होता है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ब्रॉन्ज बना होगा तो तुक्के में बन गया होगा, कोई व्यक्ति सिल्वर बना होगा तो तुक्के में बन गया होगा, कोई व्यक्ति गोल्ड बना होगा तो तुक्के में बन गया होगा, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे प्लेटिनम बना है तो तुक्के में बन गया होगा, कोई व्यक्ति आज डायमंड बना होगा डिफरेंस तो तुक्के में बन गया होगा, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं डिफरेंस ये सारी जो रैंक्स लोग ले रहे हैं इसका एक प्रोसेस होता है, आप सभी दोस्तों को पता होगा। लेवल 1 में हम जब 15 ID एक्टिवेट कराते हैं 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में तो लोग यहाँ पे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, ये इसका एक प्रोसेस है। सेकंड में लेवल हमारे यहाँ पे सिल्वर लेवल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, लेवल 2 में हमें सेकंड लेवल में 375 ID वो सॉरी 75 ID एक्टिवेट हम जैसे कि हम कराते हैं एसोसिएट हम बनाते हैं तो हमारा रैंक हो जाता है सिल्वर, ये भी एक प्रोसेस। जैसे जैसे हम प्रोसेस से गुजरते जाएंगे हमारा रैंक अचीव होते जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास में हर एक चीज़ें आती जाएंगी, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम धीरे धीरे करके आती जाएंगी।
तो यहाँ पे कामयाब होने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा, राइट। आप सभी दोस्त यहाँ तक समझ पाए होंगे। आइए अब हम जानते हैं डिफरेंस, वो प्रोसेस कौन कौन सी है और हमको कैसे गुजरने की ज़रूरत है, अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब मैंने प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताया कि यहाँ पे आप समझ पाए होंगे किसी ना किसी प्रोसेस से गुजरना होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमसे अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। मैंने बताया ना कि हम सभी दोस्तों में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यार यूटेक बिजनेस में कामयाब होने के लिए आखिरी प्रोसेस क्या है, कैसी कैसी प्रोसेस हमको यहाँ पे करना पड़ेगा और कैसे कैसे गुजरने की जरूरत यहाँ पे होगी, उन प्रोसेस को फेस कैसे करना है, उन प्रोसेस में आगे कैसे बढ़ना है, हमको पता ही नहीं होता है। 90% लोगों की मैं बात करूँ डिफरेंस, जानकारी ही नहीं होता कि कैसे उन प्रोसेस को हमको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, आइए हम जानते हैं डिफरेंस, मैं बताना चाहूंगा। एंड दैट्स द रीजन। अब हम रीजन जानते हैं, हम दूसरे लोगों को, आप सभी दोस्त ये देख पा रहे होंगे, ये मेन टॉपिक्स मैं जो बताने वाला हूँ आप सभी दोस्तों के बीच में, इसके बाद में हम आठ आठ स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। हम दूसरे लोगों को रेफरेंस इस बिजनेस की मैं बात करूँ, हम दूसरे लोगों को इस बिजनेस में तेजी से सक्सेस होते हुए दिखाई देते हैं, हमें दूसरे लोग इस बिजनेस के अंदर में बड़ी तेजी से सक्सेस होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है और हमें सही रीजन्स भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कारण क्या है जिस वजह से मेरी टीम या फिर मेरा बिजनेस आज ग्रो नहीं कर पा रहा है। हम यहाँ तक ये जो प्रोसेस को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई लोगों की टीम तो बड़ी तीव्र गति से आज बूम कर रही है। योगेश ध्रुवे सर यहाँ पे बेस्ट पैसा कमा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण ठाकुर सर जी यहाँ पे बेस्ट पैसा कमा रहे हैं, टुकेश्वर साहू सर यहाँ पे बेस्ट पैसा कमा रहे हैं, मनीष कुशराम सर बेस्ट पैसा कमा रहे हैं। डायमंड की तो आप बात ही छोड़ दो, उनके टीम में बेस्ट लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। डायमंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे टीम वाले की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेटिनियम तक। बट ऐसा क्यों होता है डियर फ्रेंड्स कि हमारे टीम के अंदर में लर्निंग्स नहीं हो पा रही, लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, हमारा चेक नहीं बन पा रहा है, ऐसा रीजन क्या है, ऐसा हो क्या पा रहा है, ये चीजें हमें समझ में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? समझ में नहीं आता है, इसका जो रीजन होता है हमको पता नहीं चल पाता है कि ऐसा कारण क्या है जिस वजह से मेरा टीम ग्रो नहीं कर रहा, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरी टीम के लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, मेरी टीम के अंदर में प्रमोशंस नहीं हो पा रहा है, हमें रीजन पता नहीं होता जिसकी वजह से हम वहीं पर थक हार करके बैठ जाते हैं, राइट। आइए डियर फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं आठ स्टेज के माध्यम से, आठ स्टेज के बारे में कि ऐसा कम हमको यहाँ पे वर्किंग क्या करना पड़ेगा और किन किन स्टेज को हमको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी जिस वजह से हम यहाँ पे हम कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आगे हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम यहाँ पे प्रथम स्टेज को हम समझने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। अब आप यहाँ पे प्रथम जो हमारा स्टेज है यहाँ पे आप उसको आप समझिए। नंबर वन इज लिस्ट लिस्टिंग, पहला स्टेज आपका यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। कोई आपको यहाँ पे जब आप इस बिजनेस को आप ज्वाइनिंग करते हैं डियर फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग करने के बाद में अब आपका काम क्या होता है, क्योंकि हम एक एडवाइजर के रूप में हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं, लोगों को प्लान देने के ऊपर में हम यहाँ पे काम करते हैं, एडवाइज आप समझ पा रहे होंगे, एडवाइज मतलब लोगों को प्लान के बारे में हम जानकारी देते हैं, एडवाइज देते हैं कि भैया आप या फिर दोस्त जिसको भी हम जहाँ पे भी प्रमोशन करते हैं वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं, जब वो कनेक्ट होते हैं हमसे तो उनको एडवाइस देते हैं कि भैया ये एप्लीकेशन बहुत ही बेहतरीन है, B2B मॉडल में काम करते हैं और यहाँ से आज लाखों लोगों की मैं बात करूँ, यहाँ पे आज लाखों की तादाद में लोग ज्वाइनिंग हो चुके हैं, इसको डाउनलोड कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से आज लोग पैसे कमा रहे हैं। आप ज्वाइनिंग करेंगे 799 के साथ में तो आपको भी ये बेनिफिट यहाँ पे होने वाली है और इतनी तरीके से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों को एडवाइस देने का काम करते हैं, हमारा काम क्या रहता है यहाँ पे, कुछ चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप ओनली फॉर एडवाइजर के रूप में यहाँ पे आप काम करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, राइट। आपका वर्किंग मैंने आपको बताया। बट डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है जब आप मार्केट के अंदर में शुरुआती दौर में, क्योंकि आपके पास में कोई, जब आप इसको बिजनेस को आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके पास में कोई नॉलेज नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है, कोई आपके पास में ऐसे डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रियां नहीं होती है, और ये कहा जाए डियर फ्रेंड्स यहाँ तक कि कोई आपके पास में कामयाबी नहीं होता है, कोई आपके पास में रिजल्ट भी नहीं होता है, तो लोग शुरुआती दौर में जब आप काम को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी आपको सुनना पसंद नहीं करता, और आपको सुनता भी है तो उसे उल्टा आपको ही जवाब देता है। मार्केट के अंदर में आप काफी बार आप रिजल्ट आप देखे होंगे कि जब आप लोगों को प्लान देते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करता है, बोलते हैं फालतू की बात कर रहा है, जुड़ने फंसाने वाला काम कर रहा है, ऐसे ढेरों सारे सवाल हमारे बीच में आते हैं डियर फ्रेंड्स, ऐसे ढेरों सारे रिजेक्शन हमारे बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप तो आप सभी दोस्त इन चीज़ों को आप फेस करते होंगे, मैंने फेस किया डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी दोस्त भी फेस करते होंगे, ऐसे सवाल आपके बीच में भी आते हैं, आपके पास में भी आते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आपने शुरुआती दौर में बिजनेस को स्टार्टअप किया है, आपके पास में जानकारी आपके पास में अनुभव नहीं है, इसलिए आपको ऐसे लोग जवाब देते हैं, राइट। आगे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जितनी तेजी से आप सीखेंगे, मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे आपको ऐसे जवाब आते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में मुझे भी आया था, आपको भी आएंगे, आपके पास में अभी कोई रिजल्ट नहीं है दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी चेक नहीं है आपके पास में कि
आप व्यक्ति को वहां पे आप दिखा सकते हैं जिससे उसने रिजेक्शन किया, भैया स्क्रीन शेयर कर, अगर ऑनलाइन है तो मैं आपको आज का ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, ये देखिए मैं अपना स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि क्या है, मैं काम, मेरे पास में लाखों करोड़ों की संपत्ति है, दौलत है, आपके पास में से कोई अचीवमेंट आपके पास नहीं होता है, वह व्यक्ति आपको उल्टा दूसरा करके, आपको उल्टा आपको जवाब देकर के आपको चला जाता है। ये आप सब आपके साथ में भी होता है क्योंकि हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, कोई बड़ी इनकम नहीं है, कोई बड़ी टीम हमारे पास में नहीं, तो सुनना पड़ता है मजबूर। और कहीं एक मन ऐसा भी होता है यार भाई बंदा सही बोला था, मुझे क्यूट करना चाहिए, और लोग वहां से भी क्यूट कर देते हैं। बट ये नहीं है, डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जितने तेजी से आप ये बिजनेस में, डिफरेंस ये बिजनेस का पहला स्टेप है, ये पहले स्टेप को आपको समझना होगा, ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे, बाकी आपको यहाँ पे क्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, क्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको करने की क्या जरूरत होती है, जितने तेजी से आप सीखेंगे उतने ही तेजी से आप स्टेज चेंज होगा, आपका स्टेज चेंज होने वाला है। ये बिजनेस सीख करके सिखाने का बिजनेस है, जितना तेजी से आप यहाँ पे आप सीखने वाले हैं उतना ही तेजी से आपका स्टेज यहाँ पे चेंज होने वाला है, आपका प्रमोशन यहाँ पे होने वाला है, मतलब आपके पास में चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी, जितना ज्यादा आप यहाँ पे आप सीखेंगे, लर्निंग स्किल आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आपकी स्टेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, आई होप आप सभी दोस्त इस स्लाइड पर समझ पाए होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं और भी बेहतरीन चीजों को बात करते हैं, और वो सारी चीजों को आज हम जान करके रहेंगे जो चीजों की वजह से आज लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट, लिस्टिंग बट नॉट एग्री। अब सेकंड पॉइंट में क्या होता है, मैंने स्टेज यहाँ पे बताया, सेकंड पॉइंट में क्या होता है, लोग लिस्टिंग करते हैं, हम जब लोगों को करते हैं, हमारा ये लिस्टिंग का काम होता है, लोग प्लान सुनने के लिए तैयार होते हैं बट एग्री नहीं होते हैं, प्लान सुन लेते हैं, यहाँ पे आपका सेकंड काम क्या हो रहा है, लोग आपकी बातों को सुनेंगे लेकिन काम के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आप जब लर्निंग स्किल्स आप बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, आपके पास में थोड़ी बहुत जानकारी आती है, आपके पास में बात करने के स्किल आता है, आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब आप सीख चुके होते हैं, जब आप लर्निंग करते हैं तो आप सीख चुके होते हैं कि लोगों को कैसे क्वेश्चन के ऊपर में कैसे आंसर देना है, किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करना है, किस तरीके से लोगों को लोगों की जर्नी यहाँ पे बताना है, किस तरीके से कामयाबी के बारे में लोगों को बताना है, यहाँ तक आप सीख जाते हैं पहला स्टेप के अंदर में। तो आपका दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेज आता है आपका, अब आप लोग आपकी बातों को सुनेंगे लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लोग यहाँ पे भी आधा लोग घबरा जाते हैं, बताऊँ यहाँ पर भी लोग आने के बाद में सेकंड स्टेज जब लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लोग घबरा जाते हैं, भाई अभी तो बात हो रही थी सीखने की, मैं सीख चुका हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं, तैयार नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका अगला स्टेज आपको यहाँ पर वर्किंग करने की जरूरत, और अगला स्टेज यहाँ पे आता है डियर, अब आपके साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको अपने आप की लर्निंग स्किल्स आपको डेवलप करनी है, अपने आप को मतलब वो चीजें आपके अंदर में लेकर के आने जिन चीजों की आपको कमी है, और इसके बाद में आपका आता है स्टेज थर्ड, तीसरा स्टेज आता है, यहाँ पे तीसरा स्टेज में आपके साथ में होता क्या है, तीसरा स्टेज में आप सिल्वर बन जाते हैं, यहाँ पे तीसरा स्टेज में आप ब्रॉन्ज के ऊपर अच्छे मतलब अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स लीडर्स आपके पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, कुछ मतलब वर्किंग हो जाता है आपकी टीम के अंदर, अब तीसरा कुछ लोग हो जाते हैं बट काम नहीं होता है, आइडिया लग चुकी होती है बट काम ऐसा नहीं होता है जो आज काफी सारे दोस्तों के बीच में हो पा रहा होगा। राइट, यहाँ पे आप तीसरा स्टेप आप समझिए, यहाँ पे एग्री बट नॉट ज्वाइनिंग, अब लोग यहाँ पे तीसरे स्टेप में होता क्या है, लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, 799 रुपीज यहाँ पे लगाने वाले नहीं है, बोलेंगे भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लान पता चल चुका है, मुझे ए टू जेड इसके बारे में जानकारी हो चुका है, बहुत शानदार बहुत जबरदस्त प्लान है भाई, एकदम तोड़म तोड़ कर डालेंगे, टेंशन मत ले, मैं साथ हूँ, लेकिन पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रेडी हो जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं आज नहीं कल से करेंगे, एकदम ऐसा मोटिवेट आपको कर देंगे डियर फ्रेंड्स, लग जाएगा बंदा अगर काम करे तो आज क्या डायमंड बन जाएगा, इतना एक्टिविटी आपको दिखाने वाले हैं बट काम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी लोग आने के बाद में घबरा जाते हैं, यार इतना शानदार एक्टिविटी था, इतना जबरदस्त तरीके से मैंने लोगों को प्लान दिया, इतने लर्निंग स्किल्स में आप अपनी आपकी डेवलप किया, बट मेरे साथ में ये हो क्या रहा है, मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरे मुझे मतलब हो क्या रहा है, अपलायंस मुझे मोटिवेट मोटिवेट करते जा रहा बट मेरे साथ में लोग आ ही नहीं रहे हैं, अब लोग नहीं आ रहे तो मैं कामयाब यहाँ पे कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है, लोग यहाँ पे भी आने के बाद में डिफरेंट स्टेज में जब पहुंचता है तो यहाँ के आने के बाद में भी लोग घबराहट स्टार्ट हो जाती है, मैंने बताया ना कि मैं जब यहाँ पे सिल्वर था तब तक मेरे अंदर में, अभी तो मतलब काफी बेहतर इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है, जो मैं बाहर में कमा करता था उससे बेटर इनकम यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये सोच नहीं आता, बट मैं जब तक सिल्वर था, जब तक सिल्वर था, क्योंकि अचीवमेंट देख करके मेरे नेटवर्क के लोग काम करने स्टार्ट किए, जब तक मैं सिल्वर था डियर फ्रेंड्स, मेरी मानसिकताएं अभी ये सिल्वर होने के बाद में मेरी मानसिकताएं में ये जुलूल वाले रेंज में चला करती थी, भाई यार कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरे टीम के अंदर में काम ही नहीं हो रहा है, मेरे
पास पैसा ही नहीं आ रहा है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरे साथ में कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, किसकी ज्वाइनिंग लगा दूं, किसे पकड़ दूं, माइंड में सवाल मेरे भी आता थर्ड ईयर पर, और आप सभी दोस्तों के माइंड में भी आता होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये स्टेज आपका तीसरा चलता है, यहाँ पे भी आने के बाद में आपको पूरे एक चीज के अंदर में आपको फोकस करना है, लर्निंग स्किल बोलते हैं ना, जिस चीज के ऊपर में आप फोकस करते हैं उस चीज के ऊपर में आप, उसके ऊपर में आप मास्टरी आप हासिल कर लेते हैं, आप उस चीज के आप मास्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मास्टर बनने की जरूरत है, तो यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डबल से आपको मेहनत करना है, अपनी लर्निंग स्किल्स आपको बढ़ाना है, अपने टीम में जितने भी लोग आ चुके हैं उनको आपको सिखाना है, समझाना है, बताना, और वर्किंग ऊपर वर्किंग आपको करके जाना है, बट घबरा कर शूट करने की जरूरत नहीं, राइट। इसके अगले स्टेप यहाँ पे फिर आता है डिफरेंस स्टेप, इसके बाद में फोर्थ स्टेप हमारे पास में आता है। अब फोर्थ स्टेज में हमारे साथ में जो होना स्टार्ट होता है उसको हम जानते हैं, यहाँ पे फोर्थ स्टेज में हमारे साथ में होता क्या है, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग लोग करते हैं यहाँ पे चौथा स्टेप के ऊपर में, बट हमारे साथ में ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी ट्रेनिंग में नहीं आते। आज मैं अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ में अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, एक बार मुझे कोई भी कोर्स पार्टनर एक बार मुझे बताएं कि हमारी इस मीटिंग को आज कितने साथी सुन रहे हैं, प्लीज और फोर पार्टिसिपेंट की आप संख्या जरूर बताएं, एवरीबडी कोई भी कोर्स पार्टनर, मेरे साथ में काफी सारे दोस्त अवेलेबल हैं, ऐसे कितने साथी हैं जो आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मतलब कि पार्टिसिपेंट की संख्या आपको बताना है, कोई भी एवरीबडी सर? पार्टिसिपेंट की संख्या आप बताइए सर मुझे, पार्टिसिपेंट की संख्या सर, हेलो सर पार्टिसिपेंट की संख्या सर, मतलब मीटिंग में कितने लोग हैं, 95 क्या? 95 पे सर। ओके थैंक यू, काफी समय लगा दिया डियर, और मैं चाहूंगा आप सभी दोस्त बने रहें। डियर फ्रेंड्स, अब बातों को आप समझिए, मेरा पूछने का मकसद क्या था, मैंने फोर्थ पॉइंट में मैंने बात किया था, ये बहुत ही स्पेशल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वाइनिंग लोग यहाँ पे जो चौथा स्टेप आपके साथ में होता है वो होता क्या है, ज्वाइनिंग लोग यहाँ पे करते हैं बट नॉट ट्रेनिंग। मैंने बताया जब लोग आपके साथ धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे या फिर ज्वाइनिंग करने लगते हैं, लेकिन लोग आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। आज अगर मैं बात करूँ रेफरेंस 93 95 पैसे 95 के आसपास में हमारे साथ लोग अभी अवेलेबल हैं इस ट्रेनिंग के ऊपर में, बट अगर मैं बात करूँ रेफरेंस तो 93 लोग ऐसे एक लीडर यहाँ पे जितने भी लीडर बने हुए ना एक सिल्वर के नीचे में लोग होंगे, यूं कहा जाए एक ब्रॉन्ज के नीचे में लोग होंगे, एक सिल्वर के नीचे में 4 4 5 5 हज़ार लोगों की नेटवर्क होती है, मेरे नीचे में खुद है, बट लोग क्या करते हैं इस स्टेज के अंदर में, यहाँ पे भी हम घबरा जाते हैं यार, इतनी बड़ी विशाल नेटवर्क होने के बाद में भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, मानसिकता है हमारी चलना स्टार्ट, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सिखाने में फोकस कर रहा हूँ, मार्केट के ऊपर मार्केट के अंदर में उतर करके वर्किंग कर रहा हूँ, बट ऐसा रीजन क्या है, ऐसा कारण क्या है, हमें समझ में नहीं आता कि लोग ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को कॉल के ऊपर में कॉल किया जा रहा है, मैसेज के ऊपर में मैसेज किया जा रहा है, लोग हाँ बोल देते हैं, यस सर मैं ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हूँ ये भी बोल देते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे स्टार्टअप होता है तो लोग ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार नहीं होते। ये स्टेज आपके साथ देखने का मौका मिल रहा होगा, मिल रहा होगा क्या, मिल रहा है, क्योंकि अभी हमारे साथ में मेरे पास में खुद करीबन 32 हज़ार लोगों का नेटवर्क है, बट डियर फ्रेंड ट्रेनिंग की मैं बात करूँ ओनली 10 से 15 लोग ही आए हुए होंगे, ये हो रहा है। यहाँ पे भी इस स्टेज में भी आने के बाद में हमको घबराना नहीं है, लोग नहीं आएंगे भाई, स्टेज में पहले ही बताया जा रहा है कि 100 में से 100% लोग कामयाब होने वाले नहीं है, ओनली फोर, आज आप दुनिया में आप देख रहे होंगे रेफरेंस में, दुनिया की मैं बात करूँ, ओनली फोर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फोर 5% लोग कामयाब क्यों है, क्योंकि वो 5% लोग सीखना चाहते हैं अपने जिंदगी में लर्निंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि जिंदगी में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि हम बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसलिए वो कामयाब, 5% 95% लोग नाकामयाब क्यों है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपने लर्निंग स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्केट के अंदर में काम कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हम काम कैसे कर सकते हैं, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, जिस वजह से नाकामयाब, दैट्स रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, कामयाबी आज पढ़ी लिखी या एजुकेशन की मोहताज नहीं होती है कि आप पढ़े लिखे तो आप कामयाब, आज मैं ऐसे भी लोगों को देख रहा हूँ जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास में आज अच्छे से 10 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमाने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं होना, कहीं ना कहीं वो अनपढ़ वाले काम करके आज 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमा, तो मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना पढ़ते लिखते रहते हैं, कितनी जानकारी आप ग्रहण करते रहते हैं, कितनी अनुभव आप लेते रहते हैं, मैटर ये करता है, अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, मैंने स्टार्टिंग से लेकर इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया, ये चौथा टॉपिक या फिर चौथा स्टेज हमारा चल रहा है,
लोग यहाँ पे भी लोगों को आपको आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे साथ में भी इधर नहीं हो रहा है, आपके साथ में भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ये समझना है आपको कि मेरा चौथा दिक्कत और फॉलो करने की जरूरत है, कुछ सीढ़ियाँ मुझे और करने की जरूरत है, लोग ऑटोमेटिकली मेरे साथ में आना स्टार्ट कर देंगे, मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, मैंने बताया क्या, फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया क्या कि लोग आप यहाँ पे आपके साथ में धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितने लोग आएंगे, जितने लोग आपके कनेक्टिविटी में, उनको आपको लेकर के आना, उनको सिखाना, उनको समझाना, उनको बनाने के ऊपर में आपको काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, इसके साथ साथ में डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी हम समझते हैं, जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे, एक चीज आपने सुना होगा कि एक खीरा, खीरा के बारे में आपने सुना होगा कि खीरा को जितना ज्यादा घसा घसा जाता है उतना ज्यादा वो चमकता है। आप सभी दोस्तों ने ऑलरेडी ये चीजों को आपने सुना होगा। एक सेकंड, गला भी दर्द देता है डियर फ्रेंड्स, पानी पीना जरूरी है। सुना होगा आप सभी दोस्तों ने कि हीरा जितना ज्यादा घसता है उतना ज्यादा चमकता है। सेम दैट डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर में आपको जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसोगे उतना ही ज्यादा आपका स्टेज भी चेंज होगा। स्टेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मैं, और ये खेल स्टेज का ही है, प्रोसेस का ही खेल है, मैंने शुरुआत में ही आपको दोस्तों बता चुका हूँ। तो आप अपने आप को घसना क्या है, आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको मीटिंग्स आपको सुनना है, हर एक तरीके से आपको अपने आपको मतलब उस काबिल बनाना है कि आप अपने आप में डायमंड महसूस करें, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि आने वाले समय का मैं डायमंड हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घसना पड़ेगा आपको अपने आप। कोयले से निकाला जाता है हीरे को डियर फ्रेंड्स, तो उसमें पता नहीं होता कि ये कोयला है कि हीरा है करके, उसको जब रगड़ा जाता है ना, उसको जब घसा जाता है, तो फिर पता चलता है कि भाई ये हीरा है। राइट, सेम दैट वैसे ही आपको घसने की जरूरत है, यहाँ पे एजुकेशन लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना आप कहीं पर बैठ करके आप घसना स्टार्ट कर दे, वैसा वाला घसा ही नहीं, एजुकेशन के मामले में बात कर रहा हूँ। राइट, क्योंकि सीखना, बिजनेस के बारे में जानकारी लेना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेना, इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी लेना, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी जल्दी आपका स्टेज चेंज होने वाला। राइट, फिफ्थ पॉइंट में हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, पांचवा स्टेज के ऊपर में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, ट्रेनिंग बट नॉट फोकस। अब पांचवा पॉइंट में होता क्या है लोगों के साथ में, अब लोग आपके साथ में डियर फ्रेंड्स पांचवा टॉपिक में यहाँ पे ट्रेनिंग में आना स्टार्ट कर देंगे, लोग ट्रेनिंग में भी आना स्टार्ट कर देंगे, लोग ट्रेनिंग में भी आएंगे, बट उनका फोकस नहीं होगा। जैसे कि आज मैं अगर हैंड राइज में बात करूँ, चलो मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार करा लेते हैं और ये हमें पता भी चल जाएगा यहाँ से। अब ये पांचवा पॉइंट को हमको मानना है, और जितने भी साथी मेरे साथ में बने हुए रेडी हो जाइए, मैं क्योंकि आपको हैंड राइज करवाऊंगा, और मेरे साथ में कोच पार्टनर्स मुझे सपोर्ट आप कॉपरेट आप जरूर करें। मैंने यहाँ पे पांचवा पॉइंट में नोट करके लेके आया है कि ट्रेनिंग, ये पांचवा जो स्टेज है आपका ये होने वाला है कि ट्रेनिंग बट नॉट फोकस। अब पांचवा पॉइंट में आपके साथ में होगा क्या, यहाँ पे आप समझिए, आपके बार बार बोलने के बाद लोग ट्रेनिंग में तो आएंगे, बार बार बोलने के बाद में लोग ट्रेनिंग में तो आएंगे, लेकिन उनका फोकस मीटिंग में नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ दोस्तों का फोकस नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप जांच ही लेते हैं, हम परीक्षा ले ही लेते हैं, कितने सारे दोस्तों का आज फोकस है, कितने सारे दोस्तों का नहीं है। तो एक बार हैंड राइज आप जरूर करेंगे, और मुझे आप एहसास दिलाएंगे कि आपका फोकस, आपका जो टार फोकस है आज के ट्रेनिंग के ऊपर में है। प्लीज हैंड राइज फास्ट, एवरीबडी, एवरी वन, एवरीबडी, हर एक व्यक्ति फास्ट, थैंक यू। और मुझे कोई भी कोहोस्ट पार्टनर से एक बार क्लियर करेंगे, सर कितने ऐसे दोस्तों का हैंड राइज हो रहा है, प्लीज हैंड राइज की संख्या आप जरूर बताएं। कोहोस्ट पार्टनर, 50 सर, तो 50 ठीक है, प्लस। 50+ पार्टिसिपेंट कितने हैं सर हमारे बीच में? 93 सर। वाह अमेजिंग, बहुत ही शानदार डियर फ्रेंड्स, अमेजिंग। थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को कि आप सभी दोस्त फोकस के साथ में आज की ट्रेनिंग को आप ले रहे हैं, और जिसमें से रिजल्ट आया है 50% का, 93 में से 53, 54 लोगों का हैंडराइस हो रहा है। मतलब बाकी कैसे दोस्त हैं जिनका फोकस नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये वो लोग हैं, बाकी के जिनका हैंड राइज नहीं हो रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ओनली फोर समझना है, उन तक तो आवाज ही नहीं जा रहा होगा, जाता होता तो शायद हैंड राइज कर। ये वो लोग हैं डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बताया आपके बार बार कहने पर लोग ट्रेनिंग में तो आएंगे, लेकिन उनका फोकस, उनका ध्यान मीटिंग में नहीं रहेगा, क्या सिखाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन ने बोला था भैया, बार बार मतलब रिक्वेस्ट किया था भैया, ट्रेनिंग में आ जाओ, सीख लो, समझ लो, जानकारी ले लो, सारा आ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे लोग हैं, इनका फोकस नहीं है। यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देख लीजिए आप अपने अपने टीम लीडर को, आप देख लीजिए कि आपकी टीम से किनका हैंडराइज नहीं हो रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं डियर फ्रेंड्स जिनका हैंडराइज नहीं हो रहा, जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से आपको डियर फ्रेंड्स वर्किंग करना है टीम के साथ में, प्लानिंग करके अपने आप को आपको तपाना है, इस तरीके से मैंने इससे पहले ही बताया था।
अपने आप को आपको एजुकेशन के अंदर में आपको घोलना है कि ऐसा क्या करना है, प्लानिंग के ऊपर में आपको प्लानिंग करना है, प्लान के साथ में और पूछना है कि ऐसा क्या करना है सर, जिस वजह से मेरे टीम के लोग ट्रेनिंग में आना स्टार्ट हो जाए। और आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, आपको ये मानना है कि मेरा स्टेज 5वां चल रहा है, इसके आगे स्टेज में जैसे कि मैं पहुंचूंगा तो मेरे साथ में लोग भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे अगर ऐसा होता है आपकी टीम के साथ में, तो आपको ये मानना है, आपको ये समझना है कि मेरा स्टेज 5वां चल रहा है। एक एक स्टेज को आप लेकर रख लीजिएगा, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस छठवां स्टेज में। छठवां स्टेज में आपके साथ में क्या होगा? छठवां स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके साथ में जर्नी क्या होने वाली है आप समझिए। यहाँ पे अब यहाँ पे लोग फोकस फोकस बट नॉट कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या मैटर है? अब यहाँ पे आने के बाद में लोग डिफरेंस फोकस करेंगे, सुनेंगे, हैंडराइज के लिए बोला जाएगा, हैंडराइज भी करेंगे, जैसे कि हमारे दोस्त हैंडराइज भी करेंगे, डिफरेंस फोकस करेंगे चीज़ों के ऊपर में, बिजनेस प्लान के ऊपर में, आप जो बताया जाएगा उनके ऊपर में। आप बोलेंगे सर हमको ब्रॉन्ज निकाल, बोलेंगे सर यस सर आई एम रेडी, निकाल देंगे सर आप, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे, फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे, थोड़ा थोड़ा काम करके भी आपको दिखाएंगे, बट नॉट कंसिस्टेंसी, मतलब एक ही काम को प्रॉपर तरीके नहीं करेंगे। बोलने को बोल दिया जाएगा कि सर ब्रॉन्ज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे आप कंसिस्टेंसी आप पूछेंगे कि सर आपका टारगेट क्या है, किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, आपका कंसिस्टेंट लगातार आप मतलब कंसिस्टेंसी मतलब एक ही काम को आप लगातार कैसे करने वाले हैं और किस तरीके से आप ब्रॉन्ज निकाल सकते हैं, तो वहां पे वो बताने वाले नहीं, मतलब आप समझिए। आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग मीटिंग में तो आते हैं और कुछ लोग काम भी करने लगते हैं। ये पांचवा टॉपिक में यहाँ पे आपके साथ में होता है, कंसिस्टेंसी के ऊपर मैंने बात किया। अब आपकी टीम में पांचवा वो सॉरी छठवा टॉपिक में छठवा स्टेज में होता क्या है तो आपको समझना, अगर आपके टीम के साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको समझने की जरूरत है, आपको मतलब इस तरह होने की जरूरत है कि आपकी टीम में अभी छठवा स्टेज चल रहा है क्या, कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग मीटिंग में आते तो है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम भी करने लगते हैं लेकिन हर काम को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते, हर काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। मतलब क्या हुआ? मतलब जब आप कभी बात करते हैं सर कि हमको वर्किंग करना है इस तरीके से, हमको प्लानिंग करना है, जो आप प्लानिंग देते हैं किधर प्लानिंग देता है वो काम को करके नहीं दिखाते हैं, ये कंसिस्टेंसी। मीटिंग के लिए आप बोलते हैं कभी मीटिंग में आते हैं कभी नहीं आते हैं, ये कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक ही काम को जो आप काम देते हैं उसको नहीं करते हैं। तो आपको समझ जाना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है कि आपका स्टेज छठवा चल रहा है। यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा ही मेरे साथ क्यों कर रहा है सर पटकने की, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं, आपको सतर्क होने की जरूरत, राइट। चलिए टाइम होते जा रहा है डियर फ्रेंड्स, हम टाइम देख लेते हैं एक बार, 9:50 हो चुका है, हम चलते हैं फास्ट थोड़ी सी और दो स्टेप के ऊपर और बात करने वाले हैं। अब हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स सातवां स्टेप, कौन सा सातवां स्टेप यहाँ पे हम समझने वाले हैं, सातवां स्टेज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सातवां स्टेज में हमारे साथ में होता क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। अब आपके टीम में होता क्या है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको मेन टॉपिक्स में जो रिजल्ट आपको मैं देने वाला हूँ आज का ट्रेनिंग का जो तोड़ या फिर निचोड़ मैं देने वाला हूँ यहाँ पे रहने वाला है। अब आप सब कुछ सीख चुके होते हैं, जो सातवां पॉइंट होता है मतलब आप एक परिपक्व लीडर बन चुके होते हैं, सामान्य योगेश ध्रुवे सर की तरह। अब आप सब कुछ सीख चुके होते हैं और आपका रैंक भी चेंज हो जाता है लेकिन आपके टीम में प्रमोशन नहीं होते, आप एक सिल्वर लीडर, आप एक गोल्ड लीडर बन जाते हैं, सिल्वर की बात हुई, सिल्वर छोटा हो जाता है, आप एक गोल्ड लीडर बन जाते हैं, आप एक प्लेटिनम लीडर बन जाते हैं यहाँ सातवां पॉइंट में, जैसे कि मैं बताया बन जाते हैं। अभी मेरा सातवां स्टेज चल रहा है, मेरा खुद का सातवां स्टेज चल रहा है, राइट। बट मैंने यहाँ पे क्या बताया है, अब आपका रैंक भी चेंज हो जाता है लेकिन आपके टीम का प्रमोशन नहीं होता है, आपके टीम में डिफरेंस लोगों का ब्रॉन्ज प्रमोशन नहीं हो रहा होता है, आपके टीम में लोगों का सिल्वर प्रमोशन नहीं हो रहा होता है, आपके टीम में लोग पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, आप कमा रहे होते हैं क्योंकि आपके पास रैंक है, आपको रॉयल्टी इनकम आता है, आपको बाइक फंड का इनकम आता है, आपको अलग अलग प्रकार के आपको इनकम आते हैं, आप 50 कर चुके हैं तो 50 का इनकम आता है, 15 कर चुके हैं तो 15 का इनकम आता है, 100 कर चुके तो 100 का इनकम आता है, अलग अलग प्रकार के इनकम आता है, मतलब यूं कहा जाए कि आप मेंटेन लाइक अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, बट आप तो कमा रहे होते हैं लेकिन आपकी टीम के पैसा नहीं कमा रहे होते। आपको यहाँ पे आने के बाद में सातवां पॉइंट सातवां स्टेज जो मैंने आपसे दोस्तों बताया, यहाँ पे आने के बाद में आपको समझने की जरूरत होती है कि ये मेरा स्टेज सातवां चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कदम कुछ पल मुझे और आगे चलना चाहिए, कुछ कदम मुझे और बढ़ाना चाहिए, कुछ सीढ़ियां और मुझे पार करना चाहिए, इसके बाद मुझे कामयाबी मिल सकती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डियर फ्रेंड्स कि आपको कन्फर्म ही नहीं होता है कि आप कामयाबी से कितनी दूर हैं, कुछ लोग यहाँ से भी लौट जाते हैं, यहाँ से भी वापस हो जाते हैं, बड़ी आसानी से क्विट कर देते हैं।
तो लौटना नहीं है, आपको कदम निरंतर आगे बढ़ाते चलना है। आज जब आप जैसे कि आप यहाँ पे कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपका स्टेज 8वां आता है। कौन सा? 8वां स्टेज आता है, ये मैंने बताया। 8 स्टेज ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। 8वां स्टेज जैसे कि आपका आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, यहाँ पे बताया कि यूअर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। अब आपकी टीम में लोग सक्सेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, अब आपकी टीम में लोग कामयाब होना स्टार्ट हो जाते हैं, अब आपकी टीम के लोगों का धीरे धीरे करके रैंक चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, अब आपकी टीम के लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। और आप सभी दोस्त ऑलरेडी आप जानते हैं डियर फ्रेंड्स, जिसका टीम के लीडर का प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके टीम के लीडर्स पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, उस टीम के मेन लीडर या फिर जो कोर लीडर होता है उसको पैसे कमाने से कोई भी दुनिया का ताकत नहीं रोक। आज देवेश शुक्ला सर, उमेश पाल सर, योगेश दुबे सर इतने बड़े बड़े पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके नीचे में उनके जैसे न जाने कितानों लोग काम करने वाले, कितानों लोग अचीवर्स बन चुके हैं, कितानों लोग पैसे कमाने वाले बन चुके हैं, उनको तो ऑटोमेटिकली पैसा जाता है। कल भी सर ने दिखाए थे करीबन 1800+ के इनकम, बोले गोवा में टूर कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ब्लास्ट में भी आपको देखने का मौका मिलेगा, फिर भी मेरे पास नहीं पैसा रीजन, क्योंकि आज वो कामयाब पर्सन, उनके नीचे में न जाने उनके जैसे कितानों लोग काम कर रहे हैं। सेम दैट डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में भी देखिए, अगर आज सर के साथ में ये चीजें हो पा रहा है तो आपके साथ में भी ये फोकस, आपके साथ में भी ये स्टेज आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यू, ये जो मैंने 7 स्टेज आपको बताया, ये स्टेज आपको फॉलो करना होगा। कामयाबी का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, स्टेज आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ना ही होगा, ये सीढ़ियाँ सीढ़ियों पर आपको कदम रखना ही होगा, तब जाकर के आप 8वें स्टेज में आप पहुंच सकते हो। और 8वें स्टेज में आपके साथ में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब 8वें स्टेज में आपके साथ में यहाँ पे होने वाला है, अब आपकी टीम में लोगों का काम भी होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके लोग रैंक प्रमोशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके लोगों को पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको समझ जाने की जरूरत है कि ये मेरा 8वां स्टेज आ चुका है, 8वां स्टेज आ चुका है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं डिफरेंस, थोड़ा सा और समझते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। और लास्ट टॉपिक में बात करना हूँ, अब हम बात करेंगे 8वां स्टेज के ऊपर में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सातवा, वो 8वां ही हम बात करें सेकंड पॉइंट इसका। 8 स्टेज में जो लोग आपके टीम में हैं, जो 8वां स्टेज के अंदर मैंने बात किया, जो लोग आपके टीम में हैं और लगातार रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग रातों रात पैदा हो गए। अब आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे मैं जो चीजें जो निचोड़ रखने वाला हूँ ना उसको आपको समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब यूं कहा जाए कि मैंने जितने भी देर आप सभी दोस्तों के बीच में बात किया, उनका मेन निचोड़ ये रहने वाला है, राइट? तो मैंने क्या बताया कि स्टेज, ये जो 8 स्टेज मैंने आप सभी दोस्तों के बीच में बात किया, 8 स्टेज में जो लोग आप टीम में हैं, 8 स्टेज जो हमारे साथ में फॉलो किए हैं हम, जो और लगातार रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग रातों रात पैदा हो गए। अभी रात कर रहा है, रातों रात पैदा हो गए, समझिए बातों को, रातों रात पैदा हो गए और आपकी टीम में अचानक तुक्के में ज्वाइनिंग कर लिए, ऐसा है क्या? रातों रात एक दिन में आदमी पैदा लेता है और वो तुक्के से आपके साथ में ज्वाइनिंग कर लेता है और काम करना स्टार्ट कर देता है, एक दिन का बच्चा का तो यहाँ पे ज्वाइनिंग भी नहीं होता हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर आएगा डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। ये लोग, अब आप यहाँ पे आप आगे समझिए, यहाँ ये लोग पहले से ही मार्केट में थे, ये जो लोग जो स्टेज में आपके बीच में बात किया, ये लोग पहले से ही मार्केट में थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम लोगों को अपनी टीम में ला सकें। सबसे मेन चीज, ये जो स्टेज मैंने आप सभी दोस्तों को फॉलो अप कराया, डियर फ्रेंड्स, डायमंड यूं ही नहीं बन जाता, उसको घसना पड़ता है, उसको रगड़ना पड़ता है, तब जाकर उसकी कीमत लगती है। सेम दैट वैसे ही अगर आपको यहाँ पे डायमंड जाना है डियर फ्रेंड्स, तो आपको अपने आप को ये 8 स्टेज मैंने बताया, 8 स्टेज में आपको रगड़ना पड़ेगा, घसना पड़ेगा, तब जाकर के आप डायमंड जा सकते हैं। रगड़ना कैसे पड़ना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अगर मैं बताना चाहूंगा तो हाई एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, यू टैक्स लेकर के या फिर डायरेक्ट सेलिंग्स लेकर के, तब जाकर के आप यहाँ पे 8वें स्टेज को आप क्वालिफाई कर सकते हो और यहाँ पे आप कामयाब बन सकते। मैंने बताया ना, ये तो लोग आपके क्वालिफाई जो 8 स्टेप के अंदर मैंने बात की, रातों रात पैदा नहीं हो गए, मार्केट के अंदर में पहले भी थे, इससे पहले भी थे, है ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम 1 साल 1.5 साल 2 साल यहाँ पे लोग काम करते हैं, लोग यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं, जब वो लगातार इन स्टेज को फॉलो करते हैं? आज देख पा रहे होंगे जितने भी लीडर्स हैं, करीबन 2 साल 2.5 साल, कोई व्यक्ति 3 साल हो चुका है यहाँ पे काम करते हुए, और आज करोड़ों के अपने सपनों को आज साकार कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और मैं मैनुअल करके मैं आप सभी दोस्तों को मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने बताया कि ये लोग जो पहले से आपके मार्केट आपके टीम के अंदर में जो लोग आए हुए हैं, जो आज अच्छी रैंक्स ले रहे हैं, जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास में एक अच्छी टीम है, ये लोग मार्केट में पहले भी थे, पहले से ही थे मार्केट में,
लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि लोगों को अपनी टीम में हम ला सकें, जिसकी वजह से हमको स्टेज फॉलो करना पड़ रहा था। एग्जाम्पल फोर मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में कोई भी एक एवरीबडी पर्सन है, हमारे बीच में मेहमाना बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी नारायण सर की टीम पे जो सम्मानी योगेश द्रविड़ सर जैसा एक लीडर से तकरार होती है, एक नेटवर्कर से उनकी बात होती है, तो क्या लगता है आपको कि लक्ष्मी नारायण सर योगेश द्रविड़ सर को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको फॉलोअप कर सकते हैं? मुझे लक्ष्मी नारायण सर आप खुद बताइए सर, क्या आप एक नेटवर्कर हैं, यहाँ पे आपको कामयाब होना है, आप तो अभी मतलब बेस्ट आपके अंदर में क्वालिफाई आ चुका है, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप योगेश ध्रुवे सर को आप फिर से दोबारा अपनी टीम में आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं? हेलो, हाँ, लग रहा है डियर फ्रेंड्स कुछ कारण से बिजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट डियर फ्रेंड्स ये संभव नहीं है क्योंकि उतनी क्वालिफाइड उतनी एजुकेटेड हम नहीं है। रीजन यह रहता है हमारे पास में जानकारी, मैंने पहला ही बताया था कि जानकारी हमारे पास में नहीं होता, अनुभव हमारे पास में नहीं होता, हमारे पास में चीज़ें लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होता, इसकी वजह से हमको ये स्टेज हमको फॉलो करना पड़ता है, और जैसे जैसे स्टेज हम फॉलो करते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी कामयाबी पास आती जाती है, और जैसे हम आठ स्टेज हम फॉलो करते हैं डियर फ्रेंड्स, आठ स्टेज फॉलो करने के बाद में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आज हमारे बीच में सम्मानी देवेश शुक्ला सर हैं, सम्मानी योगेश ध्रुवे सर हैं, सम्मानी उमेश पाल सर हैं, सम्मानी कृपाराम सर हैं, न जाने ऐसे कितानों लीडर्स हैं जो आज ये आठों स्टेज को फॉलो करके आज अपनी एक जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो कामयाबी को पास पा चुका हूँ, और आज बेस्ट इनकम यूटेक इंडस्ट्री की वजह से कर पा रहे हैं, राइट? तो आप सभी दोस्तों को भी अगर वहां तक जाना है डियर फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में भी ये आठ के आठ स्टेप आपको आएंगे, और ये आठों के आठों स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, आपको स्टेज या फिर सीढ़ियां चढ़ करके जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो आठ स्टेज आपको फॉलो करना 110% तय है, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और, मैं आपका समय लेना चाहूंगा, मेरा ऑलरेडी ट्रेनिंग तो आठ स्टेप के ऊपर हो चुका है, बट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, अपने आप को लायक और लगातार प्रयास करते करते जाना का बिजनेस है। देखिए डिफरेंस ये बिजनेस क्या होता है, यूटेक बिजनेस आपको जो मिला हुआ है, मुझे पता है यहाँ पे आज अनपढ़ व्यक्ति भी आज कामयाब है, अनपढ़ व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आठवीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज यहाँ पे कामयाब है, जो पढ़े लिखे लोगों की अगर मुकाबले की मैं बात करूँ तो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है, लाखों करोड़ों की इनकम करके बैठ चुका है हमारे बीच में सम्मानित उमेश पाल सर, एक बेस्ट एग्जाम्पल यार, आठवीं पढ़ा लिखा बंदा है, आज से 3 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया करता था, 10,000 12,000 रुपये कमाया करता था, लेकिन आज की अगर जर्नी की मैं बात करूँ तो बंदा 5 लाख 7 लाख रुपये पर महीने कमा रहा है। रीजन रीजन डियर फ्रेंड्स, रीजन अपने आप को लायक और लगातार प्रयास करने का बिजनेस है, अपने आप को लायक समझे, अपने आप में लगातार प्रयास किए, जिसकी वजह से आप 3 साल के अंदर की आप जर्नी आप देख सकते हैं, आज बंदा है सेम डेट। अगर आपको भी वहां पे जाना है डियर फ्रेंड्स, तो अपने आप को आपको लायक समझने की जरूरत है, यहाँ पे आपको लगातार प्रयास करने की जरूरत है, आप भी जा सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आठवीं पढ़ा लिखा बंदा है, अगर यहाँ व्यक्ति जीरो से अगर हीरो बन सकता है तो आप भी बन सकते, आप भी बन सकते, राइट? आगे थोड़ा सा और हम लेना चाहेंगे आप सभी सभी दोस्तों का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, ये जो हम सिस्टम के अंदर में हम ज्वाइनिंग किए हैं, यूटेक के अंदर में हम ज्वाइनिंग किए हैं, मैं सीधा बताता हूँ, यूटेक इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये बिजनेस डियर फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेस अपनी वर्किंग में और अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये जितने भी प्रोसेस के बारे में आपसे दोस्तों के बीच में बात किया, ये प्रोसेस आपको अपनी वर्किंग में डालना है, वर्किंग डे में डालना है, साथ साथ में अपने दिमाग में डाल लेना है, डाल लीजिए, फिर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको कोई डीमैट मार्केट के अंदर में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा, आपका काम होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको ये हर हमेशा पता रहेगा कि भाई मेरा प्रोसेस या फिर जो मेरा स्टेज है कौन सा चल रहा है, उससे आप डिमोटिवेट होने वाले नहीं है, इसको क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपके माइंड में दिमाग में डल चुका होगा ऑलरेडी पहले से, ठीक है? अब आगे आइए समझते हैं, यही प्रोसेस आपके इस बिजनेस में आगे लेकर के जाती है, यही जो प्रोसेस आपके बीच में मैंने बात किया, और लगातार आपको आपकी काबिलियत और कौशल बढ़ाने में बढ़ाते रहने के लिए मोटिवेट करती है, इन चीज़ों को आपको फॉलोअप करना है, मैंने बताया ये जो प्रोसेस है यही आपको आगे बढ़ाती है, इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्दी यहाँ से आप एक बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस को आपको फॉलोअप करना है, बाकी यही प्रोसेस आपके अंदर में जोश व जुनून व पागलपन लेकर के आती है, लगातार आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है, बनना बनना बनाया चला जाता है, बनाते चला जाता है, राइट? एंड आप स्टेज में कभी वो सॉरी आप स्ट्रगल में कभी भी स्ट्रगल में ये काम कीजिए कि आप फॉर्मूला और प्रोसेस और सिद्धांत पे काम कीजिए, जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो प्रोसेस मैंने बताया, उन प्रोसेस के ऊपर मैं आप सिद्धांत जो प्रोसेस हैं जिनके सिद्धांत उन पे आप काम कीजिए, जिससे ऐसा कोई कारण ना रहे कि आप तेजी से बिजनेस में सक्सेस ना हो पाए,
जो सिद्धांत और जो प्रोसेस मैंने बताया डिफरेंस, उनके ऊपर में आपको वर्किंग करना है। ऐसा कोई कारण आपके साथ नहीं रहेगा जिनकी वजह से आप कामयाब ना हो, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल यू टेक कमांडो। आप सभी दोस्तों ने मेरी बातों को लास्ट तक सुना, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को मैं कुछ चीज़ें आज सिखा पाया होगा, कुछ बता पाया होगा, और गलतियाँ हुई होंगी डियर फ्रेंड्स। तो आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई, क्योंकि मैं अपने आप जितने भी दोस्त मेरे साथ में बने हुए हैं सभी दोस्तों को अपना परिवार ही मानता हूँ मैं, और सभी के सभी दोस्त ऑलरेडी मेरे परिवार के साथी हैं, हमारे एक परिवार की तरह। तो कुछ सिखा पाया होगा तो आप ज़रूर अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और लेकर के जाइएगा, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से अपने साथियों के साथ में एक दो लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों के लिए, मेरे साथ में जितने भी साथी बने हुए हैं, ओनली फॉर दो लाइन कहते हैं डियर फ्रेंड्स। और उनके साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कहते हैं कि बात बात में विश्वास बदल जाता है। बड़ी प्यारी लाइन है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है इस लाइन को, मैं जब भी लोगों के बीच में रखता हूँ। कहते हैं डियर फ्रेंड्स कि बात बात में विश्वास बदल जाता है, रात रात में आकाश बदल जाता है। बात बात में विश्वास बदल जाता है, रात रात में आकाश बदल जाता है। मत घबराना इन अंधेरियों से मेरे दोस्त, मत घबराना इन अंधेरियों से मेरे दोस्त, क्योंकि एक रात में चाहो तो इतिहास बदल जाता है, क्योंकि एक रात में चाहो तो इतिहास बदल जाता है। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सभी दोस्तों को, कि आप सभी दोस्त मुझे आप लास्ट तक सुने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेंट और डियर फ्रेंड्स, इतना ही। और बाकी मैं रामकुमार यादव इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बाकी के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू यू होस्ट सर, थैंक यू। एवरीबडी, कोई भी होस्ट या फिर को होस्ट हमारे बीच में आ सकते हैं डियर सर, हमारे बीच में काफी सारे साथी हैं। तो आप सभी दोस्तों को, जितने भी साथी हैं को होस्ट या फिर को होस्ट साथी, अपने आप माइक जरूर ओपन करें। क्या बात है, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, एनराइज भी कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कोई अगर को होस्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे बीच में आप, मुझे लीडर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, रीजन क्या है मुझे पता नहीं, बट लीडर्स आज मेरे बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, हमारे बीच में कोई आ चुके हैं, चलिए। हाँ, सविता ध्रुवे जी मैम, आप अपने माइक को आप अनम्यूट करके आप मीटिंग का फीडबैक आप जरूर लें, और कुछ समय के अंदर में आप अपनी बातों को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, ऑलरेडी आप सिल्वर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस 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 ओके, थैंक यू सर। साथियों, मैं आप सभी से मिलना चाहूँगी। माई सेल्फ सेवंती दुर्वे और मैं डिस्ट्रिक्ट बैतूल से बिलोंग करती हूँ, और मेरे अपलाइन मिस्टर सुकेश विगे सर, जिनके माध्यम से मुझे इस यूटेक सिस्टम में आने का मौका मिला। और आज का सेशन सर बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 8 पॉइंटों पे आपने आज का सेशन लिया।